तो हेलो दोस्तों, क्या हाल है आपका? उम्मीद है अच्छे होगा। तो यार बहुत टाइम हो गया था, कोई वर्कआउट का फुल वीडियो आया नहीं था, तो मैंने सोचा यार अभी कॉलेज से टाइम निकाल के आया हूँ तो आज फुल वर्कआउट वीडियो शूट कर ही लेते हैं। तो आज हम करेंगे हमारा पुल मूवमेंट, और मैं हमेशा अपनी एक्सरसाइजेस को पुश पुल और लेग इस तरह करता हूँ ताकि ज्यादा से ज्यादा मैं मसल्स को कवर कर सकूँ बिकॉज ऑफ दी रूटीन, जो मेरी रूटीन चलती है कॉलेज की और जिम की। अगर कोई दिन बीच में मिस भी होता है तो वो कवर हो ही जाता है, ऑलमोस्ट कवर हो जाता है। तो चलिए आज हमारा पुल मूवमेंट है तो करते हैं स्टार्ट। तो सबसे पहले हम कवर करेंगे यार हमारा क्लोज ग्रिप पुल डाउन, और ये जो है बैक के लैट्स मसल पे बहुत ही ज्यादा हिट करता है, और इससे बैक की जो ओवरऑल विड्थ है ना तो वो बहुत ही ज्यादा चौड़ी हो जाती है और अच्छी लुक देती है लीन बंदे को भी, और साइज में जो बड़ा होता है उसको तो देगी। और हमेशा मैं प्रेफर करूंगा पुलअप्स के बाद ये पहली एक्सरसाइज को आप लगाएं तो ज्यादा अच्छे तरीके से आपकी बैक जो है लार्ज होगी। मुद्दे वाली बात, और मुद्दे वाली बात क्या है, कल मैंने लगाए थे स्क्वाट्स, क्या मैं आज डेडलिफ्ट लगा सकता हूँ? जी नहीं, बिल्कुल नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहूंगा कि मेरी लोअर बैक के ऊपर ज्यादा प्रेशर आए। तो आज मैं बेंड ओवर करूंगा। अपना वर्कआउट स्केड्यूल जो है बिल्कुल उस तरह से प्लान करें ताकि आपके किसी एक मसल पे बहुत ज्यादा स्ट्रेस ना आ जाए। तो स्क्वाट्स के बाद आज करेंगे बेंड ओवर, अगली बार हम कर देंगे भाई डेडलिफ्ट। तो इतनी सी सिंपल सी बात होती है और बहुत ज्यादा डिबेट चलने लग जाती है। तो चलिए शुरू करते हैं। भाई सर्दियों में रोड बहुत ठंडी होती है, ऐसा भी लगता है जैसे कि लोहे की बर्फ। सो अब हम करेंगे हमारी फेस पुल, तो पुल मूवमेंट है तो फेस पुल तो बनती ही है, तो चलिए शुरू करते हैं। हाइपर एक्सटेंशन लगाएंगे हम हैंड में, क्योंकि वो लोअर बैक मसल है और वो मसल को ज्यादा रेंज ऑफ मोशन से बाहर लेके जाती है। तो अब हम लगाएंगे हमारा बाइसेप। बाइसेप्स की पहली एक्सरसाइज होगी हम क्लोज ग्रिप बाइसेप्स कर लगाएंगे इजेड बार से, और आर्म रेसलिंग की भी हम लगाते हैं तो हम यहीं पे बैठ के रेंज ऑफ मोशन को लॉक करके वहां पे लगाएंगे ताकि हमें आर्म रेसलिंग में भी बेनिफिट हो और हमारा बाइसेप भी हिट हो। तो चलिए शुरू करते हैं। तो बेसिकली ये एक्सरसाइज आर्म रेसलिंग के लिए लगाते हैं। हमारे इस इंक्लाइन टेबल के ऊपर इसको हमें सेट कर देना है इस एंगल के ऊपर, और बाइसेप्स कर्ल लगाने, ठीक है ना। और ये मूवमेंट बहुत ही ज्यादा स्ट्रिक्ट है क्योंकि इसमें चीटिंग होती नहीं है, तो ये एक्सरसाइज बहुत बढ़िया एक्सरसाइज कह सकते हैं बाइसेप के लिए। तो चलिए शुरू करते हैं, लेकिन रेंज ऑफ मोशन का फिर से ध्यान रखना है। कई बंदे शॉर्ट रेंज ऑफ मोशन के साथ लगाते हैं, रेंज ऑफ मोशन को पूरा लेके जाना है, पूरा सीधा नहीं करना, लगभग इस एंगल से इसको कर्ल कर देना है। आपको आपकी नेचुरल पोजीशन पता होनी चाहिए एंड वाली,
तो चलिए Over the edge, feel like I'm floating through the air. The pain I felt is paid for, all is said and done. Oh, I am restricted, fixed upon the web. I need to kick the habit that my. So, भाई इसके बाद हम लगाएंगे रोप के साथ एमरकल्स और वन ऑफ माय फेवरेट एक्सरसाइजेस हैं, तो बहुत ही अच्छा रेंज ऑफ मोशन होता है और मतलब मुझे तो भाई रोप के साथ ही बेटर लगता है सीधी सी बात। चलिए शुरू करते तो ये हमारी फोरआर्म की एक्सरसाइज होगी और इसके बाद हम लगा देंगे हाइपर एक्सटेंशन। इसी के साथ हमारा वर्कआउट हो जाएगा खत्म। और वर्कआउट रेगुलर लगाना भी भाई एक तरह की मेंटल डिसिप्लिन है, आपको रखना पड़ता है क्योंकि हर बार दिल चाहता है कि यार स्किप हो जाए, कोई बात नहीं अगली बार कर लेंगे, कल कर लेंगे, परसों कर लेंगे। तो ये भी बॉडी और माइंड का एक डिसिप्लिन वाला गेम होता है, तो आना पड़ता है और अपने अच्छे के लिए। और जिम की सबसे अच्छी बात यह है कि यार ये जो बाकी चीजें हैं उससे आदमी दूर रहता है, उसकी लाइफ में जो कुछ भी चल रहा होता है, जो वो जिम में घंटा डेढ़ घंटा या दो घंटे लगाता है, तो वो अपनी बाकी मेंटल प्रॉब्लम्स को एक साइड में कर देता है और वर्कआउट में ध्यान देता है। 12 रेपिटेशन लगाऊं, 15 लगाऊं, तो ये एक तरह की रिकवरी भी है। सो वीडियो देखने के लिए यार आपका बहुत बहुत थैंक यू, और आगे भी वीडियोस आएंगी क्योंकि शेड्यूल बहुत ही ज्यादा बिजी चलता है बिकॉज ऑफ कॉलेज एंड वर्क। काम क्या है, जिम ही काम है, और पहले काम को प्रायोरिटी दें, काम आगे रखें, उसके बाद ये वीडियोस तो बनती रहेंगी। तो चलिए थैंक यू।